सिस्टम को सुधारने के लिए खड़ा हुआ जी। सिस्टम सुधरेगा सेवा अपने आप हो जाएगा जी। सारे सिस्टम में गड़बड़ी है। जनता का जो सबसे बड़ा अफसर विधायक होता है जी, उसको विधाता बनाना चाहते हैं जी, लेकिन अभी बेचारा। तो जनता को समझना चाहिए कि लोग तंत्र, लोग ऊपर तंत्र भी थे, लेकिन यह उल्टा है। तो सिस्टम सुधरेगा तो सारी चीज हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और पूछिए जी, जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या सेवा करेंगे जनता के लिए? जैसे अभी बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, तो जिला में रोजगार का सृजन करेंगे। प्रस्ताव देंगे विधानसभा में कि ये MLA का ऑफिस खुलेगा, सरकारी कार्यालय BCO के कलेक्टर के यहाँ सृजन होगा, वो रोजगार हो गया। हर पंचायत में एक अमीन दिया जाएगा, हर पंचायत में गरीबी निवारण कर्मचारी भी डिप्यूट होगा, गरीबों का लिस्ट बनेगा, पिछड़ा वाले का लिस्ट बनेगा, मजदूरों का लिस्ट बनेगा, उसे रोजगार का सृजन होगा। और जितना भी विभाग का वैकेंसी को भरेंगे, अगर सरकार में आ गए तो सरकारी पावर मिलेगा, नहीं तो विधायक के रूप में मैं सारी व्यवस्था करूँगा जो यहाँ की जनता को चाहिए। उद्योग खुलवाऊंगा, फ्री कोचिंग करवाऊंगा विधायक कोटा से, पहले बच्चों का विद्यार्थियों का फ्री कोचिंग होगा, उसके बाद ही रोड और पुल बनेगा। सर कुछ सब कमीशन बाजिए और पूछिए जो। सर एक मुद्दा और है कि लोगों के अंदर यानी कि भ्रष्टाचार, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप सर? भ्रष्टाचार के लिए हर आदमी को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा जी, लड़ना होगा, कदम कदम पे लड़ना होगा जी। बिना लड़े कोई उपाय नहीं है जी। और विधायक के पास उसको कंप्लेन करना चाहिए, जो भी विधायक जीत के आवे, हम आवे कोई आवे जी। और विधायक ने सुना तो विधायक का घेराव करना जी। और जहाँ भी जुर्म होता है उसको करखा पोतो अभियान चलाना होगा जो